हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के भी कि 1000 सब्सक्राइबर जो है और 4000 घंटे का वॉच टाइम ये कैसा कंप्लीट करते हैं। इसके दो ऑप्शन है, एक लॉन्ग कट है और एक शॉर्ट कट है। तो मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ और इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, वो भी मैं आपको पूरा क्लियर बताने वाला हूँ। अभी तक के कोई भी यूट्यूबर ने ऐसा नहीं बताया है डिटेल में। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर मैं दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे एक शॉर्टकट तरीके की, शॉर्टकट तरीके से हम 1000 सब्सक्राइबर कैसा कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर जो है आप फटाक से कंप्लीट कर सकते हो एक दिन के अंदर। ये है शॉर्टकट तरीका, बता रहा हूँ मैं। एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से यूट्यूबर ने आपको बताया होगा, ऊपर ग्रुप्स रहते हैं, पेजेस रहते हैं, उसके ऊपर आप लिंक डालते हो, वहाँ से भी सब फॉर सब करते हो। इसके बाद में यूट्यूब में जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स रहते हैं उनके कमेंट में आप सब फॉर सब करते हो। तो सब फॉर सब वहाँ पे करने से अच्छा और एक दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि आप यूट्यूब के ऊपर जब सब फॉर सब करते हो तो उसके अंदर अगर आप SUB या फिर सब्सक्राइब ऐसा लिखते हो तो वो जो कमेंट है वो स्पैम में कंसिडर हो जाता है। तो उसके वजह से जो आपका चैनल है वो जल्दी ग्रो नहीं होता है, क्योंकि YouTube को पता चल जाता है कि ये चैनल के ऊपर सब्सक्राइब के जो कमेंट है या फिर यहाँ से सब्सक्राइब गेन करना चालू है, तो YouTube के पूरा नज़र में आ जाता है। और रही बात Facebook की, तो Facebook के लोग रहते हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारा टाइम उसके अंदर स्पेंड करना पड़ता है। और दूसरा एक ऑप्शन है टेलीग्राम, टेलीग्राम के ऊपर भी ऐसे ग्रुप्स है कि वहाँ पे आप सब फॉर सब करते हैं, तो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको सब फॉर सब करने के लिए। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप के ऊपर आप सब फॉर सब बहुत आसानी से कर सकते हो, आप फटाक से जो सब फॉर सब है कंप्लीट कर सकते हो एक दिन के अंदर, जो आपके 1000 सब्सक्राइबर माइलस्टोन है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो आप बोलेंगे कि हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप है उसके अंदर हम हमारा लिंक पेस्ट करते हैं, उनको सेंड करते हैं, तो वहाँ से जो हमारे को सब्सक्राइब गेन नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो ग्रुप्स रहते हैं आपके वो अलग है, और मेरे पास जो ग्रुप है वो पूरे सब्सक्राइबर के ग्रुप है, उसके अंदर सब सब्सक्राइबर के भूखे हैं। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा अभी, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप आई बटन में देख सकते हो। आप अब बोलोगे कि व्हाट्सएप के ऊपर हम कैसा सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो को स्किप ना करें तो ही आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और आपके 1000 सब्सक्राइबर जो है फास्ट कंप्लीट कर सकते हो। ये शॉर्टकट तरीका है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने ग्रुप दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आपको ज्वाइन होना है। उसके अंदर ज्वाइन होने के बाद में आपको एक सिंपल आपकी लिंक जो है यूट्यूब की मतलब या फिर कोई वीडियो की लिंक वहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद में या फिर आपको उसके अंदर ऐसा लिखना है कि मैं इस चैनल के अंदर नया हूँ, सब्सक्राइब कर दो। तो जो भी आपका ये मैसेज देखेंगे तो आपको सेपरेट में मैसेज करेंगे खुद होके, या आपको नहीं करते मैसेज तो आप भी उनको कर सकते हो। जैसे कि आप ग्रुप के अंदर मैसेज देखोगे तो वहाँ से आप उनको मैसेज कर सकते हो। ज़्यादातर तो वही लोग आपको मैसेज करते हैं क्योंकि उनको भी सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत रहती है। तो होता क्या है, उसके अंदर आपका मैसेज देखे बराबर वो सेपरेट में मैसेज करते हैं, उसके अंदर वो खुद की लिंक देते हैं और कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो तो हम भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आपको भी उसका चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके साथ में आपको अपनी लिंक भी दे देना है वहाँ से। तो ये है फास्ट तरीका। फास्ट तरीका ऐसा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन रहते हैं, व्हाट्सएप के जो मैसेज है वो फटाक से रीड कर लेते हैं, तो इसी तरह आपके जो सब्सक्राइबर है फटाफट बनते रहेंगे। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, उसके अंदर आपको लाइव प्रूफ देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है कैसा कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है ये बहुत मुश्किल है कंप्लीट करना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर किसी का वीडियो वायरल हो जाता है तो उसके थ्रू जो वॉच टाइम है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, मेरा एक दोस्त था MP का, मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो MP के दोस्त ने क्या किया था, जब हमारा TikTok चालू था, अभी तो बैन हो चुका है, TikTok के अंदर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था एम्बुलेंस का, मैंगलोर टू बैंगलोर ऐसा कुछ तो भी वीडियो था वो, कि 3-4 घंटे के अंदर उसने जो है वो रीच कर दिया था, पूरा पहुँच चुका था वो पॉइंट पे। तो वो वीडियो उसने 12:30 बजे के बीच में डाला था, अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर। तो वो वीडियो इतना तेज़ी से वायरल हो चुका था यूट्यूब के ऊपर, तो उसके रातों रात जो व्यूज़ थे वो थे 16 मिलियन।
जी हाँ दोस्तों, 16 मिलियन तक के उसका जो वीडियो है वो व्यू हुआ था और उसके सब्सक्राइबर जो बने थे 2,35,000। तो रातों रात दोस्तों उसकी किस्मत जो है चमक गई थी। तो इस तरीके से कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ में। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, मैं भी पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ, मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, मैं हार नहीं मानने वाला। तो हमारा जो मेन टॉपिक है 4000 घंटे का वॉच टाइम, तो ये वीडियो वायरल होने की वजह से उसका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया, सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए, उसका चैनल जो है मोनेटाइज हो गया रातों रात। तो आप बोलोगे कि हमारा वीडियो वायरल नहीं होता है तो हमारा वॉच टाइम कैसा कंप्लीट होगा। वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए मैंने वीडियो भी बना के रखा हुआ है पूरा डिटेल में, वो भी आप देख सकते हो, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम हमारा खुद का वीडियो देखते रहते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम होती है क्या? ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स बोलते हैं कि खुद का वीडियो खुद मत देखिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप बिंदास देखिए, सिर्फ जो आपकी मेन चैनल की आईडी है उससे ना देखिए। बाकी कोई भी मोबाइल से अगर देखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो देखना कैसा है, आपको प्लेलिस्ट बना के रखनी है अपने सब वीडियो की, और वो प्लेलिस्ट आपको एक साथ में लगा के रख देना है, प्ले कर देना है, ना कि आपको हर वीडियो पे क्लिक करना है। अगर आप हर वीडियो पे क्लिक करते हो तो वो इनवैलिड क्लिक गिने जाता है। इनवैलिड क्लिक जो है वो हर वीडियो के ऊपर क्लिक करने से ही होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना के रखोगे तो उसके अंदर आप एक वीडियो के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो वीडियो है वो अपने आप वॉच होते रहेंगे और आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा। ज़्यादातर उसके अंदर व्यूज़ की बात है तो व्यूज़ उसके अंदर बहुत हद तक के काउंट हो सकते हैं, ज़्यादातर काउंट नहीं होते क्योंकि फिर वो कुछ देर बाद में फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे आपको अभी फिलहाल के टाइम में कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ दो ही चीज पे ध्यान देना है, 1000 सब्सक्राइबर और एक 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो सब्सक्राइबर तो बता दिया, और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए आपको ऐसा ही करना है, हर वीडियो पे क्लिक नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट। और ये शॉर्टकट के क्या फायदे और क्या नुकसान है वो बताऊंगा। तो फायदे ये है कि आपके फटाक से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे एक दिन के अंदर, ये आपके ऊपर डिपेंड आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है, और दूसरा जो हमारा ऑप्शन है 4000 घंटे का वॉच टाइम, वो जो वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए आपको हार्डली हार्ड 5 से 6 महीने लग जाएंगे, अगर आप उसके अंदर जितने मोबाइल यूज़ करते हो तो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको फास्ट कंप्लीट करना है वॉच टाइम तो आपको मोबाइल भी ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये सब होने के बाद में आपका जो चैनल है मोनेटाइज हो जाएगा, अगर आपके चैनल के अंदर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम वगैरह नहीं रहता है तो 1 या 2 दिन के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और अब इसके क्या नुकसान है वो बताऊंगा। तो जैसे कि हम सब फॉर सब करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर से, इसके अंदर प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन जो ग्रुप्स है उसके अंदर कोई इंडिया के बाहर के भी बंदे हैं। अगर आप जो वीडियो बनाते हो ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका वीडियो देखा जाएगा तो उससे आपको अच्छा ही है। तो अगर आप इंडिया में वीडियो बनाते हो, इंडिया के अंदर हिंदी चलता है, तो हिंदी जो लैंग्वेज है ये सिर्फ इंडिया में ही देखा जाएगा या आसपास के जो कंट्री है उसके अंदर देखा जाएगा। तो इसके अंदर मेरी एक सलाह है, जब आप सब फॉर सब करेंगे तो उसके अंदर अगर आपको इंडिया के लिए रिलेटेड होना तो सिर्फ वही लोगों को सब्सक्राइब करें, या फिर आप सिर्फ सब्सक्राइबर का जो नंबर है वो बढ़ाना चाहते हो तो आप किसी को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी आपको सब्सक्राइब करेंगे। तो इसके अंदर नुकसान ये है कि अगर आप अदर लोगों को भी जो इंडिया के बाहर के उनको भी सब्सक्राइब करा लेते हो अपने चैनल के ऊपर, तो आप हिंदी वीडियो डालोगे तो वो वीडियो वॉच नहीं करेंगे, तो इससे क्या आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ जो है थोड़े कम आ जाएंगे। अगर आपको इंडियन लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके व्यूज़ वैसे ही आते रहेंगे। तो सिर्फ इतना ही नुकसान है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं। और हमारा जो वॉच टाइम है हमको क्लिक नहीं करना है, हमको सिर्फ वीडियो लगा के रखना है। तो ये हो गया हमारा पूरा शॉर्टकट। अब हम बात करेंगे कि लॉन्ग कट क्या है। लॉन्ग कट के अंदर दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जो टाइम है वो भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसके अंदर लग भी सकता है ज़्यादा टाइम, कम भी लग सकता है, ये डिपेंड आपके वीडियो के कंटेंट के ऊपर, आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है उसके ऊपर। तो अगर आप रेगुलरली ट्रेंडिंग वीडियो बनाते हो तो इसके अंदर आपके चांसेस हो जाते हैं वीडियो वायरल होने के। अगर आप 10 वीडियो बनाते हो, 20 वीडियो बनाते हो, तो उसके अंदर से एक आधा वीडियो आपका वायरल जा सकता है। तो इसके अंदर आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, आपको रेगुलरली वीडियो जो है अपलोड करते रहना पड़ेगा। बाय लक अगर आपका चल जाता है तो आपका जो किस्मत है पलट सकती है। आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपका वीडियो वायरल होता होगा तो उसके थ्रू आपके जो सब्सक्राइबर है वो फटाफट गेन हो सकते हैं। अगर कोई वीडियो वायरल ही नहीं होता है तो इसके अंदर आपको टाइम लग सकता है। और इसके बाद में जो हमारा वॉच टाइम है, वॉच टाइम कंप्लीट करना इसके अंदर बहुत सारा टाइम लग सकता है। अगर आपका वीडियो वायरल होता है तो इसके थ्रू आपका जो वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा।
अदरवाइज अगर आपका वीडियो वायरल नहीं होता है तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसके अंदर आपके एक साल भी जा सकते हैं, दो साल भी जा सकते हैं। तो ये है आपके वीडियो के कंटेंट के ऊपर। अगर आपका वीडियो का कंटेंट अच्छा होगा, वीडियो क्वालिटी अच्छी होंगी, तो वो वीडियो लोग वॉच करेंगे, तो उससे आपका सब्सक्राइबर काउंट भी हो जाएगा अगर वीडियो पसंद आता है लोगों को, और आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों दो फंडे शॉर्टकट और लॉन्ग कट के। तो इसमें से आपको कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, मैंने जो पूरा खुलासा किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो है शॉर्टकट और लॉन्ग कट ये सब मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, एक साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को, एक से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों मेरा मेहनत करना ऐसे ही चालू रहेगा, तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ, कुछ खुलासे भी करने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।